पोखरण में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। हिंदू भाइयों ने मुख्य ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। साथ ही राजस्थान के सबसे बड़े मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम में ईद स्नेह मिलन हुआ। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे ने की हिंदू मुस्लिम भाइयों से मदरसे में बातचीत। परमाणु नगरी पोखरण में ईद का पावन पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परमाणु नगरी पोखरण में ईद के पावन पर्व पर कौमी एकता का संदेश देखने को मिला। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को बधाई देने के लिए मदरसे भी पहुंचे, ईदगाह भी पहुंचे, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई व हिंदू भाइयों, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, ईद का पावन पर्व है, लगातार भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, आप मदरसे में पहुँचे, किस तरीके से आज के इस ईद उल अजहा के खास अवसर पर नमाज अदा करने के बाद इस मदरसे में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हर वर्ष की भांति रहता है। तो आज सभी यहाँ जो उपस्थित है, हम सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और मैं प्रशासन की ओर से भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से। और जो पोखरण की परंपरा रही है आपसी सद्भाव की, भाईचारे की, वो हमेशा बनी रहे, उसको किसी की नज़र नहीं लगे, यही हम दुआ करते हैं। हमारे साथ और भी ये हिंदू भाई यहाँ मदरसे में पहुँचे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बधाई दे रहे हैं इनकी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाले करें ये परंपरा हमेशा के लिए इसी तरह से बराबर कायम रहे और आपस में एक दूसरे के दिलों को मालिक इस तरह से मिलाए रखें कि जब हमेशा के लिए इस मुल्क की तरीके का जरिया बने। और ये कामनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं कि मुल्क को मालिक जो है हर किसी शुरू से फिक्र से बुराइयों से और तंगनजियों से महफूज रखे, बचाए। हमारे साथ और भी हैं, आप मदरसे में पहुँचे, मुस्लिम भाइयों के बीच में बातें हैं, कैसा लग रहा है? मुस्लिम भाइयों का आज ईद का बहुत बड़ा त्यौहार है और ये मुस्लिम भाइयों का नहीं, हिंदुस्तान का और ये विश्व का त्यौहार है। ईद का त्यौहार, ईद उल अजहा का त्यौहार, इस अवसर पर इस मदरसे में जिसकी तारीख, जिसका इतिहास 107 साल पुराना है, यहाँ पर वर्षों से ईदगाह पर ईद की नमाज अदा होने के बाद में यहाँ पर वर्षों से स्नेह मिलन आयोजन किया जा रहा है। और यह स्नेह मिलन लंबे समय तक और सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक चलता रहे और हम हिंदू मुसलमान इसी तरह मुल्क की तरक्की के लिए भागीदार बने, ऐसा यह पैगाम संदेश इस स्नेह मिलन समारोह से मिलता है। मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब जो है कौमी एकता का परिचय दे रहे हैं। हिंदू भाइयों ने ईदगाह पर भी पहुंचकर बधाइयां दी, यहाँ स्नेह मिलन में भी भाग लिया और बधाइयां दी। मुस्लिम भाई भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये भाईचारा, ये भाईचारे का संदेश हमेशा बना रहे, इसके लिए सभी अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दोहे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को।